हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। आप टाइम देख सकते हैं, 10 बज गए हैं 5 मिनट आगे हैं, और मेरा क्लीनिंग वगैरह वर्सेस सारा काम हो चुका है। बस मुझे बेड समेटना है, और आप अंधेरा देख रहे होंगे, जैसे शाम का टाइम हो रहा है। बस यहाँ कमरा भी ठीक करना है, तो और सब काम हो गया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना, क्योंकि नहाना मैं बाद में करूँगी आज, क्योंकि मैं ना आज हेयर पैक लगा रही हूँ बालों में, तो आप भी मैं वो भूल लेती हूँ। और उसके बाद घर भी ठीक करना है। आलू मैंने उबाल लिए हैं, बनाऊंगी आलू के और पनीर के पराठे। तो बस आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ सुबह से ही ब्लॉग शुरू करूँ। मन तो नहीं था, क्योंकि मेरी आप हालत देख सकते हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मतलब ऐसे आने में। तो फिर मैंने कहा नहीं, चलो कोई बात नहीं, आज आप लोगों के साथ में आ ही जाते हैं। तो चलो आज हम हेयर पैक बनाते हैं। ये सब बाहर बैठे हुए हैं, आज सैटरडे है, लॉकडाउन है, सैटरडे संडे देहरादून में लॉकडाउन है, सो आज इनकी छुट्टी है। तो बस काम सारा हो गया, ढीले ढीले काम कर रही हूँ। अभी वीडियो अपलोड करने के बाद बस थोड़े कमेंट्स वगैरह रीड कर रही थी, तो आज की वीडियो कुछ खास चल नहीं रही है, क्योंकि सभी के घर में लॉकडाउन है, सभी हस्बैंड्स में वाइफ्स सब बिजी हैं, तो इसी वजह से। तो चलो मैं पहले है ना अपने लिए हेयर पैक बना लेती हूँ, वही मेहंदी लगाऊंगी थोड़ा सा। बाल यार मेरे देखो यहाँ से जाते जा रहे हैं, बाल देखो ना, है ना, ये भी कहने लग गए थे कि यहाँ से एकदम गंजी होती जा रही है, तो इसीलिए मैं बना लेती हूँ हेयर पैक और फिर मिलती हूँ। तो हेयर पैक के लिए मैंने मेहंदी ले ली है जितनी मुझे यूज़ करनी है, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ भृंगराज पाउडर। आप लोग सभी जानते होंगे भृंगराज पाउडर कितना बेनिफिशियल होता है, तो चलिए मैं इसको आपको डिटेल में अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। और मैं अब इसमें ऐड करूँगी नीम का पाउडर, तो ये दोनों चीज़ डाल के मैं अच्छे से गुनगुने पानी से इसे मतलब घोल लूँगी। मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब यार थोड़ा सा और ज़्यादा डाला जाए, तो दही मैंने इसलिए ऐड कर दिया कि इसमें थोड़ा सा कुछ और नरिशमेंट दिया जाए इसको। थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है, तो यहाँ मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और एक पानी के साथ इसे नॉर्मल ऑयल, नॉर्मल एक तरह से मेहंदी जैसे मुझे लगानी है वैसा इसका पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि वो चीज़ है ना, ज़्यादा थिकनेस भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा लिक्विड भी नहीं होनी चाहिए। पानी जो है ना तो गर्म ज़्यादा होना चाहिए ना ही ठंडा होना चाहिए, और इसे 2 घंटे के लिए रखना है जिससे ये अच्छे से अपना रंग डेवलप कर ले, और हम फिर इसे अपने बालों में लगा लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इतने मैं ये मेहंदी घोलती हूँ, तो आपको मैं इन प्रोडक्ट का थोड़ा सा रिव्यू देती हूँ, डिटेल में बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये 2 प्रोडक्ट हैं जिनका मैंने यूज़ किया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इनको क्लॉथ से दिखा दूँ। तो देखिए ये जो है भृंगराज है, जो भृंगराज की लीफ होती है ये उसका पाउडर है, और ये ऑरिगेंस कंपनी का है, प्योर एंड नेचुरल है, और सबसे बड़ी बात ये है मेड इन इंडिया है, ठीक है। और क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन भी है मेड इन इंडिया, जैसा कि आज के टाइम में आपको पता ही है कि हमें अपने ही देश के, अपने ही मतलब इंडिया के ही प्रोडक्ट को प्रमोट भी करना चाहिए और उनको यूज़ भी करना चाहिए। तो ये मेड इन इंडिया है और प्योर एंड नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं है, और ये नेचुरल हेयर केयर के लिए है, हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जो इसके फायदे हैं आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, देखिए रिड्यूस हेयर फॉल एंड रिड्यूस हेयर थिन, आपके बाल अगर झड़ रहे हैं तो वो आप ये ठीक करता है, और ये अगर आपके बालों को मतलब मजबूत बनाता है, मोटा बनाता है, एंड कंट्रोल जो मतलब गिर रहे होते हैं बाल उनको कंट्रोल करता है लीक से, और स्कैल्प को बिल्कुल क्लियर रखता है, ठीक है। और आप इसे किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और ये देखिए मिक्स ए स्पून ऑफ ऑरिगेंस भृंगराज पाउडर, ठीक है ये लिखा हुआ है इसमें, एंड विद वाटर, ठीक है वाटर के साथ, एंड हेयर ऑयल दोनों के साथ मिला के इसको आप लगा सकते हैं, मतलब तेल के साथ इसे मिला के भी आप हेयर पैक बना सकते हैं, एंड मिक्स टू जैसा फाइन पेस्ट की तरह बनाने का, अप्लाई टू हेयर एंड द लीव ऑन द 30 मिनट्स, ठीक है, एंड वॉश्ड ऑफ, ठीक है। तो आप इसको ऐसा नहीं है कि मेहंदी में, अगर आप मेहंदी वेहंदी नहीं यूज करते हैं तो आप इसे ऑयल में, पानी में एक पेस्ट बना के आप इसको लगा सकते हैं बाल में, और 30 मिनट्स बाद इसको रिमूव कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है 275 है, पर डरने की कोई बात नहीं है, मैं इसके जो लिंक दूंगी आप उन लिंक से अगर खरीदेंगे तो इनके जो प्रोडक्ट आपको बहुत ही सस्ते मिलेंगे,
क्योंकि इनमें 50-60% होता रहता है। और ये दूसरा प्रोडक्ट है जो मैंने डाला था वो नीम लीफ पाउडर है, जो नीम की पत्तियां होती हैं उनका पाउडर है। इसमें भी कोई केमिकल ऐड नहीं है और ये हेयर और स्किन दोनों के लिए फायदेमंद है। आप लोग जानते होंगे नीम कितना बेनिफिशियल होता है हमारी स्किन के लिए, क्योंकि जो अगर हमारे फेस पे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं उसके लिए हम पैक बना के इसको लगा सकते हैं। अगर सर में कोई फंगस वगैरह हो जाती है तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हर चीज इस कहते हैं ना नेचर के अंदर है ना खजाना है, तो ये सारी नेचर की चीजें हैं जो हमें ऑरिगेंस कंपनी बहुत ही आसान तरीके से हमें प्रोवाइड कर रहा है एक पाउडर फॉर्म में। इसका भी जो प्राइस है ना 247 है, जो आपको बहुत ही सस्ता मिलेगा अगर आप मेरे वाले लिंक से इसको परचेज करना चाहेंगे तो। और ये सब चीज़ों के गुण बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग सब भी जानते हैं हमारे जो बड़े हैं वो भी इन चीज़ों को यूज़ करते थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें भी आपको लिखा हुआ है ना ही देखिए नेचुरली पिगमेंटेशन में आपको कंट्रोल करेगी एंड कंट्रोल ऑयल फ्रॉम द स्किन। अगर स्किन पे बहुत ऑयल आता है डीप क्लीन करती है उसको कम कर रिड्यूस रिंकल साइंस ऑफ एजिंग, जो आपके रिंकल्स हो जाते हैं और जो झुर्रिया पड़ जाती है उनको बिल्कुल ठीक करेगा एंड प्रोटेक्ट हेयर ग्रोथ। ठीक है, प्रमोट हेयर ग्रोथ, आपके जो हेयर ग्रोथ है उसको और ज्यादा बढ़ाने में मजबूत कर, रिड्यूस हेयर फॉल, आपके बाल जो टूट रहे होंगे डेंड्रफ हो रही होगी उन सबसे बहुत ज्यादा मतलब मदद करेगी। और यहाँ पे सब कुछ लिखा रहता है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मेरा जो मेहंदी का पैक है वो भी तैयार हो गया होगा मैंने इसका। आप अगर आपको ये परचेस करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप उधर चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये मेहंदी का मेरा जो पैक है तैयार हो गया, इसे 2 घंटे के लिए रख दूंगी जब तक मैं अपने और काम कर लूंगी फटाफट से। तो यहाँ मैं आलू मैंने बॉईल करने रख दिए थे पहले ही, तो यहाँ आलूओं को मैं छील लूंगी और पिट्ठी तैयार करूंगी मैं फटाफट, क्योंकि अब टाइम होता जा रहा है खाने का, क्योंकि सुबह तो सिर्फ चाय और इन्होंने टोस्ट वगैरह ले लिए थे हम सब ने, क्योंकि मुझे और काम करना था तो मैं पहले खाने में नहीं लगी क्योंकि मुझे कपड़े वगैरह सब धोने थे, पोछा झाड़ू करना था। छुट्टी वाले दिन तो ये काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं पहले करना, नहीं तो बाद में मेरे से हो ही नहीं पाता। तो आलू छीलने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हरी मिर्च, धनिया पत्ता और गरम मसाला, अमचूर पाउडर और अदरक भी डाल दूंगी ग्रेट करके। तो ये सब डालने के बाद मैं इसकी एक अच्छी सी पिट्ठी बना लूंगी बढ़िया तरीके से हाथों से ही मसल के। तो इन टिफिन्स में मैं रखती हूँ धनिया वगैरह, अभी बच्चे तो स्कूल जा नहीं रहे तो ये काम आ रहे हैं मेरे इस चीज़ के। तो यहाँ मैं अदरक को घिस रही हूँ, छीलने के बाद अदरक को घिस रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू के पराठों में अदरक का। तो अब मैंने देखिए अपनी पिट्ठी भी बिल्कुल तैयार कर ली है और मैंने इसी वाले परात में किया था और इसी में मैं अब आटा भी लगा लूँगी और इसे दूसरे में शिफ्ट कर दूँगी। तो अब यहाँ पे मेरा देखिए मैंने पिट्ठी अपनी प्लेट में रख ली है, पनीर को भी मैंने क्रेट कर लिया है, मिक्स नहीं किया है क्योंकि बेटा थोड़ा सा मिक्स है खाता नहीं है, उसको ऊपर से रख के देना होता है इसलिए मैंने साइड में ग्रेट कर लिया। तो यहाँ बस चाय भी मैंने चढ़ा दी है क्योंकि ये कह रहे थे कि पराठे के साथ मैं चाय लूँगा, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, बेटे को ना जुकाम की सी शिकायत है, सो मैं इसीलिए मैंने कहा नहीं फिर वो भी दही लेगा, तो इसीलिए मैंने चाय बना दी है जिसमें मैंने अदरक लौंग और तुलसी डाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इस टाइम पर। तो यहाँ बन रहा है मेरा पराठा और देखिए पराठा कैसा गोल 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 बन रहा है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो चलिए मैं इसको करती हूँ फटाफट से बनाती हूँ और आप भी देखिए और आप भी खाइएगा ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ से सिक गया था तो पलट दिया था मैंने और अब इसमें अच्छे से ऑयल लगा के मैं इसको दबा दबा के सिकूँगी, क्योंकि मुझे ना थोड़े से कुरकुरे से पराठे ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बस मेरे पराठे बिल्कुल रेडी होने वाले हैं तो, और थोड़ा सा तेल साइड से डालती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी से बनते हैं। तो ये देखिए मेरा पराठा हो गया है रेडी, अब मैं इनकी लगा देती हूँ प्लेट जिसमें मैंने रख दी है आधा कप चाय और पराठा, आप भी खा लीजिएगा और मैं धीरे धीरे अब बनाती रहूँगी और इन सबको खिलाती रहूँगी। तो मेहंदी लगा चुकी हूँ, बहुत टाइम हो गया है, सबको नाश्ता पानी करा चुका है, सब ने नहा धो लिया है, अब मैं नहाने जा रही हूँ। अब मैं आपसे कम से कम 3 बजे से एक मिल रही हूँ और सच में मेहंदी लगाना थोड़ा सा लगता है, लेजीनेस लगती है, पहले उसे घोल के रखो फिर सर पे लगाओ फिर मतलब बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा परेशानी वाला सामना करना पड़ता है, बट क्या करें। अब मैं नहा चुकी हूँ, अब बना रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा स्नैक्स, मतलब इन्होंने बोला कि मुझे ना पकौड़े खाने हैं, तो बस मैं अब यहाँ पे बेसन घोलने की तैयारी कर रही हूँ। आलू मैं काट चुकी हूँ,
तो उस वो वीडियो भी शूट की थी, पर बेटे ने पता नहीं कैमरा किस तरीके से सेट किया कि मतलब ना मैं तो दिख ही नहीं रही थी और आलू ही आलू दिख रहे थे। फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। तो इसमें मैंने सिर्फ कुछ नहीं, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर डाल रही हूँ और बेसन को घोल लूँगी और बस आलू को डिप कर करके मैं फिर इसमें पकोड़े बना लूँगी। तो किस किस को पसंद आते हैं ये पकोड़े? मैं जब भी इन पर ऐसी ये बनाती हूँ ना तो मुझे बहुत याद आती है किसी की। तो आज चलो आपको बताती हूँ कि मुझे बहुत याद आती है अपने पापा की, क्योंकि मेरे पापा को है ना इस टाइप के जो पकोड़े थे मुझे बहुत पसंद आते थे। मतलब है ना सिंगल सिंगल गोल 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 काटो पतला पतला और एक एक डिप कर करके कर करके मतलब डालो, और उन्हें बहुत ही पसंद थे। तो ये सब चीज़ें देखती हूँ जब भी बनाती हूँ ना तो मन में एक कोने में ना ये चीज़ चलती रहती है कि पापा को भी बहुत पसंद थे। तो ये चीज़ें मुझे बहुत याद आती हैं और ये चीज़ें सोच के मुझे पापा की भी बहुत याद आती है कि हमारे पापा बहुत अच्छे थे बहुत, के अब मेरे पापा मतलब अब नहीं हैं यहाँ पे, तो हमें सब छोड़ के जा चुके हैं। मतलब बोलना तो नहीं चाहती हूँ ये सब चीज़, पर कहते ना भूल जाओ कितना ही, पर होता है थोड़ा सा ना मन में लगी रहती है। और आजकल जैसे बस लग थोड़ा सा रहता ही है, जैसे आप जानते होंगे एक यूट्यूबर हैं बहुत मतलब उनके भी पापा जी की भी अभी डेथ हुई है और उनके साथ भी जो घट रहा है तो वो मुझे बहुत फील कराता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए इनकी अपनी बदमाशियाँ चल रही हैं कि पकोड़े बनने की तैयारी मैं कर रही हूँ और बस आ आके देख रहे बन गए क्या बन गए क्या। तो देखिए मैंने यहाँ पे पकोड़े बना दिए हैं और इनके लिए लगा दिए हैं, कैसे चिप्स की तरह बने हैं और हरी चटनी है कच्ची आम भी की। तो चलिए इनको खिलाते हैं और फिर और बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अब कैमरा सेट किया है, तो आप मेरे बालों को देख रहे होंगे, मेहंदी मतलब मैंने धो दी है। वैसे मेरे को पहले डर लगता था कि लाल बाल हो जाएंगे लाल, और आप देख के बताइए मेरे लाल बाल कहीं से लग रहे हैं? नहीं ना, क्योंकि आप मेहंदी जब कंटिन्यू लगाते रहते हैं ना तो वो जो पहले लाल कलर देती है फिर वो ब्लैक में आने लग जाता है कलर। तो ये भी मुझे देख के कह रहे थे कि मेरे भी लगाना कि तेरे बाल तो लाल बिल्कुल नहीं दिख रहे। तो मैंने कहा ठीक है लगा दूँगी, तो अब इनके लगाऊँगी मैं कल। तो चलो मैं फटाफट से बना लेती हूँ फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो पकोड़े बन चुके हैं और मैंने ना लाल मिर्च वाली जो बनाई थी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और आप लोगों से मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। पर यहाँ पे ना मैं बस अपने बालों को देख के बड़ा ही अच्छा सा लग रहा था मुझे, तो मैं अपने बालों के साथ ही खेलने लग गई क्योंकि बहुत अच्छा कर्ल्स आ रहे थे आज। तो अब यहाँ पे मतलब हम जो टाइम है वो कम से कम 6 बजने का होगा, 6 साढ़े 6 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पे मैं आज पूरा दिन है ना बस खाना पीना बनाने के बाद जब पकोड़े वगैरह हो गए थे उसके बाद मैं ना ये स्टिचिंग में लग गई थी। तो जिस ब्लाउज की मैं तुरपाई कर रही हूँ ना तो इसको मैंने सिला था, एक्चुअली मुझे किसी को देना है, ये अर्जेंट का ब्लाउज़ था का मतलब, तो इसी वजह से मैं इसी में लग गई थी। मैं फिर बीच में आप लोगों से बिल्कुल बातचीत नहीं की। तो अब ये सब ब्लाउज सिल चुका है, बस तुरपाई करनी हो क्योंकि ये सुबह जाएगा ब्लाउज। तो तुरपाई वगैरह कर रही हूँ मैं इधर बाहर बैठे हुए, थोड़ा सा हवा चल रही थी तो इसलिए मैं बाहर बैठ गई। तो यहाँ बेटा साइकिलिंग चला रहा है और ये भी बैठे हैं, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे थोड़ा सा और अपने मतलब काम भी करते चले गए और बातचीत भी होती रही और टाइम पास भी हो जाता है साथ में ही, और अच्छा भी लगता है बैठने के लिए। कुछ हमारी सुनते हैं कुछ वो अपनी सुनाते हैं तो अच्छा लगता है। मैं तो यही कहूँगी हर किसी को बैठना चाहिए, एक दूसरे को भी थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए। तो मैं आज पूरे दिन में आप लोगों से बातचीत करी ही नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा तो बातचीत करना बनता है। अभी मैं बस जा रही थी चाय बनाने क्योंकि टाइम जो है ना वो 7 बज चुके हैं, पर अभी तक चाय नहीं पी थी हमने, वो एक पकौड़े खाए थे फिर थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी तो वो खा ली थी। तो बस उसके बाद मैं अपने काम में लग गई थी। अब बना रही हूँ चाय और चाय के साथ फिर देखते हैं क्या खाना पीना बनता है, कुछ हल्का सा ही बनाएंगे, कुछ हैवी तो नहीं बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो का एंड करने से पहले आप लोगों को बाय कह देती हूँ। और तो आपको अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए मुझे मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, और ऐसे ही मेरा ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। और बहुत अभी अभी मूड होया है मैंने क्योंकि ऑयल ऑयल सा आ गया था, तो लिपस्टिक वगैरह कुछ नहीं लगाई मैंने। तो मैं ऐसे ही रहती हूँ घर में, मेरा ये रहता नहीं है कि एनी टाइम बस मैं हमेशा टिप टॉप बन के रहूँ,
मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने अभी तक बाल भी नहीं बनाया, आपको लग रहा होगा देखो मैंने ऐसे ही सिर्फ जुड़ा सा बना लिया है। तो चलो कोई बात नहीं ना, जैसे हैं हम वैसे ही दिखाना चाहिए, फेक कब तक चलेगा है ना। तो अब मतलब रियलिटी हमेशा आपके लिए बरकरार, मतलब जो सच्चाई होती है वो हमेशा रहती है, फेक जो चीजें होती है वो हमेशा नहीं रहती। इसीलिए फेक में दिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो सच्चाई सबके सामने आती ही है। सो इसीलिए मैं जैसी हूँ वैसी आप लोगों के सामने आती हूँ, कभी कोई फेक करने की मैं कोशिश भी नहीं करती हूँ। तो इसलिए चलो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।